लक्ष्मी विलास पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के बीच द्विपक्षीय वार्ता प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई है और दोनों के बीच ये हैंडशेक साफ साफ दर्शा रहा है कि दोनों देशों के बीच की ये पार्टनरशिप लगातार मजबूत होती जा रही है। ये संबंध नए दौर में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये वार्ता लक्ष्मी विलास पैलेस में होने जा रही है और उससे पहले दोनों देशों के बीच ये हैंडशेक दर्शाता है कि नए आयामों को छू रहे हैं दोनों देशों के बीच ये साझेदारी। इससे पहले आपको बता दें कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन दोनों देशों के प्रमुख ने किया है। C-295 का निर्माण इस टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। दोनों देशों के प्रमुख ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातों का जिक्र भी किया है और अब ये मुलाकात लक्ष्मी विलास पैलेस में होगी और कई मुद्दों पर चर्चा होगी, साथ ही कई MOU के भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद इस मुलाकात के बाद की जा रही है। आपको बता दें कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज जो हैं इस समय भारत के दौरे पर हैं और गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के बीच संयुक्त रूप से किया गया है। और आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर को अमरेली के लाठी से 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने जा रहे हैं।